ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये वाला सी, डायलेक्टिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर इज सो एंड सो, है ना, टेन टू द पावर, ये हमने क्लास में किया हुआ है। देन मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी गिवन टू द स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 3 मीटर, तो दिस इज द यूनिट, अगर इफ यू डोंट रिमेम्बर ऑल्सो यू सी दिस इज द यूनिट ऑफ फील्ड, फील्ड के फॉर्मूले से क्यू निकालना है, दैट्स ऑल। तो E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, तो E की वैल्यू पुट कर दी, R की वैल्यू पुट कर दी, क्यू निकाल लिया, तो दिस इज द आंसर। डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज द चार्ज्ड बॉल है हैंग फ्रॉम सिल्क थ्रेड एस विच मेक्स एंगल थीटा विद द लार्ज चार्ज कंडक्टिंग शीट एज शोन, द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ऑफ द शीट इज प्रोपर, कंडक्टिंग शीट है ना, तो यहाँ पे हमें एक ध्यान रखना पड़ेगा, कंडक्टिंग शीट की फील्ड डबल होती, बट आंसर में कोई डिफरेंस नहीं, आप आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा ना, क्योंकि प्रोपोर्शनल पूछा है। तो ये हमने टेन थीटा इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम जी सीखा हुआ पहले से, है ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो टेन थीटा, ये देखो ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम में आ गया मास, एम जी नीचे और टेंशन का जो कंपोनेंट है, तो टेंशन का जो ऊपर वाला कंपोनेंट है कॉस थीटा, वो एम जी को बैलेंस कर लेगा, और ये टेंशन का साइन थीटा कंपोनेंट इलेक्ट्रिकल फोर्स को बैलेंस कर लेगा क्यू ई, तो कंडक्टिंग शीट में टू नहीं होता यहाँ पे, सॉरी, चलो ठीक है फिर से लिख रहा हूँ, Q into sigma upon epsilon naught, ये होता है, टू मैंने हटा दिया क्योंकि कंडक्टिंग शीट दी थी, ठीक है, तो बस ये डिवाइड कर देंगे, टेन थीटा ये मिल जाएगा हमें, ये टेन थीटा मिल गया, तो इससे हम लोग आंसर आ जाएगा अपने, टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू QE upon mg, E की वैल्यू पुट कर दो, तो यहां से होल्ड ऑन, E की वैल्यू यहाँ पे बिट करेक्टली पुट करने में टू हटाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, बस, तो हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आंसर था, टेन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, और सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा, तो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, ठीक है, तो ये अपना ज्यादा स्टेप नहीं है, बट हमें कॉन्सेप्ट पता है तो जल्दी से आंसर आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास में किया था, देखो ये तीन शीट्स हैं, एक ये और एक ये, इसका सिग्मा है, इस पॉजिटिव वाले की फील्ड अवे आती है, इसका माइनस टू सिग्मा है, इसकी भी नीचे आएगी, इसका माइनस सिग्मा है तो इसकी भी नीचे आएगी, तीनों की फील्ड नीचे आएगी, ठीक है, तीनों की फील्ड नीचे आएगी और ऐड हो जाएगी, देखो हम जब डायरेक्शन ले रहे हैं तो मॉड में लिखते सिग्मा सारे, माइनस के कैप माइनस ऐड होके ये आ गए, ये क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है ना, तो लोकेशन पॉइंट की बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट कहाँ पर है, और पॉजिटिव चार्ज से उस पॉइंट पे फील्ड रेडियली अवे जाएगी शीट से, और निगेटिव जो शीट होगी उसकी तरफ आएगी फील्ड, तो इस तरह से हमें डायरेक्शन देख के सब एक ही डायरेक्शन में तो ऐड कर देंगे, और वो नीचे भी है, नीचे मतलब सब नीचे है एक ही डायरेक्शन में, इसलिए ऐड हो गए, और नीचे है मतलब माइनस के कैप की तरफ है, इसलिए हमने माइनस के कैप लिखा, मैग्नीट्यूड चार्ज का लिखा, यहाँ पे मॉड लिखा, मॉड में लिखा सारे चार्ज, डायरेक्शन अलग से दिखाई है ये और ये, तो ये क्वेश्चन हो गया 43 में देखो पॉइंट जो है 0.20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज इलेक्ट्रिकल स्फीयर ऑफ रेडियस 100, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 100 वोल्ट पर मीटर, कितनी दूरी पर है, 10 पर नहीं 10 रेडियस है 20 पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द, तो 3 सेंटीमीटर पर निकालना है ये मैंने थोड़ा ऐसे
डायग्राम बनाया, एक पॉइंट यहाँ पर है उसकी फील्ड दी है, अंदर वाले पे निकालनी है फील्ड, ऐसा है फील्ड निकालनी है कि पोटेंशियल निकालना, फील्ड तो जीरो होती है अंदर, पोटेंशियल निकालना है शायद। फील्ड ही निकालनी है, एक मिनट तुझे मुझे वैल्यूज क्रॉस चेक करने दो पहले। इसका आंसर क्या है? सी 43 का, एक मिनट देखने दो मुझे, कैसे लेट मी गो थ्रू अगेन। एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज डायलेक्ट्रिक स्फीयर। अच्छा ठीक है, डायलेक्ट्रिक स्फीयर का तुम लोगों को नहीं आता है। देखो तो डायलेक्ट्रिक स्फीयर में अपना जो सॉलिड स्फीयर है ना, वो बोर्ड के कोर्स में नहीं है, तुम लोग किसने बताया? खुशी पाउजा जो जो है, तो ये बोर्ड में नहीं है लेकिन कंपटीशन में है ना। तो जैसे तो बता देता हूँ डायरेक्ट, जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है ना, उसको रिकॉल करके लिख सकते हैं, वैसा टाइप रहता है। अंदर जो है ना के क्यू आर बाई आर क्यू, डायमेंशन देखो ये आर आता है, अंदर पॉइंट हो गया और नीचे भी पावर बढ़ानी पड़ती, डायमेंशन बैलेंस होते हैं। शेल होगा तो जीरो होती, बट ये डायलेक्ट्रिक स्फीयर है, अंदर फील्ड होती है उसके। ठीक है, तो हमने क्या किया, बाहर वाला, बाहर तो पॉइंट चार्ज जैसी, उसकी फील्ड लिखी, इसकी डिवाइड कर दिया दोनों को। तो अंदर जो पॉइंट होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, और नीचे डायमेंशन बैलेंस करने के लिए एक पावर और बढ़ानी पड़ती है बस। तो यहाँ पर आर टू कितना था, थ्री, आर टू पे अंदर पॉइंट है 3 सेंटीमीटर पर, तो वो लिखा। रेडियस कितनी है स्फीयर की, वो लिख दी। और पहले जो आर वन था वो 20 सेंटीमीटर में था, रेडियस 10 है, तो इसलिए बाहर पॉइंट चार्ज जैसी फील्ड लगा देंगे, बस वैल्यू पुट करके आ जाएगा ये आंसर। ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा नया पॉइंट है, ये छोड़ भी सकते हैं, जिनको केवल बोर्ड देना है तो वो छोड़ दे, ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए नहीं है, बहुत रेयर चांसेस है, जनरली वो नहीं पूछते वो। इसका डेरिवेशन वैसे आता है, जो क्वेश्चन नंबर 12 किया था हमने एनसीईआरटी बुक का सॉल्ड एग्जांपल, वैसे डेरिवेशन करना पड़ता है, पर यूनिट वॉल्यूम से करना पड़ता है उसको। ऐसे मैग्नेटिज्म में करेंगे, मैग्नेटिज्म में है अपने कोर्स में, पर यूनिट एरिया से है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ती है अंदर सिलेंडर के। ये क्वेश्चन देखो, इनफाइनाइट लाइन चार्ज का फार्मूले से ये होंगे। देखो ऐसा डेरिवेशन भी मैग्नेटिज्म में है, मैग्नेटिज्म में तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्वेश्चन है, तो देखते हैं। टू इनफाइनाइटली long parallel wires having the linear charge density lambda 1 and lambda 2 respectively are placed at distance r, the force per unit length, to ek to dekho yahan pe main thoda pehle bata do, force second wire ka jo force hai usse khud ke upar charge jo field pehle wire ki, f is equal to q hi hota hai, to q kiske lena hai second wire ka, field kiske leni hai first wire ki, vice versa bhi ho sakta hai, to yahan pe dekho jaise ye first wire hai, ये सेकंड, इसकी फील्ड यहाँ पर निकाल लेंगे और इसका यूनिट एक लेंथ ले लेंगे एल, फिर एल को डिनोमिनेटर में भेज देंगे, उस लेंथ में चार्ज कितना होगा, क्यू विल बी एल इनटू लैम्डा टू, बहुत बड़ा बड़ा है ना, क्यू विल बी, क्यू टू विल बी लैम्डा टू इनटू एल, जितनी लेंथ लेंगे ये वो इतने इतने के लिए चार्ज, और फील्ड इसकी, तो फील्ड कितनी होती है इनफाइनाइट वायर की बताओ, फील्ड इनफाइनाइट वायर की कितनी होती, के क्यू बाय 2 के क्यू बाय 2, हां 2 के लैम्डा बाय आर, 2 के लैम्डा ये डिराइव किया था, तो 2 के इस पे चार्ज कितना यूनिटरी मेथड से, लैम्डा 2 12 सेकंड वायर की लेंथ हमने एल लेंथ पर हम फोर्स निकाल रहे हैं, बाद में पर यूनिट हो जाएगा वो, ये चार्ज हो गया सेकंड वायर, फर्स्ट वायर की फील्ड 2 के लैम्डा बाय आर, तो लैम्डा 1 फर्स्ट वायर का, ठीक है, तो बस यही आंसर हो जाएगा, एल को नीचे ले आओ, एल को इधर ले आओ, बाकी जो बचा हुआ आंसर हो जाएगा। तो मेन क्या है फार्मूला, हमें एफ इक्वल टू क्यू ही लगाना है, ऊपर लैम्डा 2 जो है 1 मीटर के लिए, तो एल मीटर के लिए लैम्डा 2 * एल उतना चार्ज हो जाएगा, एल मीटर लेंथ, उसको हम नीचे ले आएंगे बाद में, और फर्स्ट वायर का फील्ड लिखेंगे। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर अच्छे है तो हो जाते हैं, एक ही लाइन में है, देखो ये भी क्वेश्चन कंपटीशन का है,
ऐसा बोर्ड में दे सकते हैं, एक आध क्वेश्चन आधा टेढ़ा देते हैं बोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द थिन हाफ रिंग। हाफ रिंग का जो है तुम्हें एक्स्ट्रा से कुछ नहीं पढ़ना है। हाफ रिंग का मैंने क्या बताया हुआ तुम्हें बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द हाफ रिंग कितनी बताई है बताओ, याद है किसी को? ये इनफाइनाइट वायर की होती है, जितनी इनफाइनाइट वायर की उतनी होती है, 2k लैम्डा बाय r। बट लैम्डा को चार्ज से रिप्लेस करना है, चार्ज दिया है यहाँ पे, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई हाफ सरकमफेरेंस। यहाँ से लैम्डा पुट कर दो यहाँ पर, ये लैम्डा यहाँ पे पुट कर दो तो ये आ जाएगा, चार्ज के टर्म में फील्ड आ जाएगी। आसान है, कुछ हमें हाफ रिंग की अलग से नहीं करनी पड़ती, इनफाइनाइट वायर की ही फील्ड होती है हाफ रिंग की ऊपर जो थी, इसलिए तुम कंपटीशन का क्वेश्चन भी कर ले जाओगे आसानी से। ये क्वेश्चन क्लास में किया है 46, नीट का क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन। हॉलो सिलेंडर हैज द चार्ज क्यू कूलम्स एट द सेंटर, ठीक है, फाइ इज द फ्लक्स इन द यूनिट ऑफ वोल्ट मीटर। फ्लक्स की यूनिट वोल्ट मीटर होती क्या? फ्लक्स की यूनिट वोल्ट मीटर होती क्या? फील्ड की वोल्ट पर मीटर भी होती है ना, फील्ड की, फील्ड इनटू एरिया, एमएम कैंसिल हो जाएगा, वोल्ट मीटर भी होती है फ्लक्स की यूनिट, वोल्ट मीटर इंस्ट्रूमेंट भी होता है, पता है? इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट से हमने दूसरी यूनिट लिखी फील्ड की, वोल्ट मीटर, एरिया, फ्लक्स इज इक्वल टू फील्ड इनटू एरिया, एरिया की मीटर इसका दूसरी यूनिट तुम्हारी, याद कर लो इसको, वोल्ट मीटर। एसोसिएटेड विद द कर्व्ड सरफेस देन फ्लक्स थ्रू द वन एंड, कर्व्ड सरफेस से फाई दिया हुआ है ये वाला, कर्व्ड सरफेस से कितना निकल के आ रहा, फाई, एंड से कितना निकलेगा, टोटल फ्लक्स गॉसियस लॉ से निकाला था हमने, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स ऑन द कर्व्ड सरफेस प्लस फ्लक्स ऑन द टू एंड्स, ये टोटल फ्लक्स q अपॉन एप्सिलॉन नॉट गॉसियस लॉ, कर्व्ड सरफेस का फाई दिया है, वन एंड का निकालना तो साइड चेंज करके वन एंड का निकाल लो, ये आंसर है, नीट का क्वेश्चन। चार्ज सेंटर में लिखा है कि नहीं लिखा, देखते चार्ज क्यू गुलाम एट इट सेंटर, है सेंटर में, करेक्शन कर दिया था, पहले सेंटर में नहीं लिखा था उन लोगों ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते क्या बोल रहा है, टू चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर सिचुएटेड एट सर्टेन डिस्टेंस एट द पॉइंट एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन देम, बीच में एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू है, तो पहले हम चेक कर लें क्या होता है इसका, फील्ड एंड पोटेंशियल का चेक कर लेते, नहीं तो ऑप्शन पढ़ने से कंफ्यूजन शुरू हो जाती है। यहाँ पर जो फील्ड है पोटेंशियल तो जीरो होगा, एक का प्लस एक का माइनस, और फील्ड जो है पॉजिटिव की इधर नेगेटिव की भी इधर, तो फील्ड जो है तुम्हारी नॉन जीरो होगी, डबल हो जाएगी, इनफैक्ट पोटेंशियल जीरो फील्ड नॉन जीरो। तो कौन सा ऑप्शन बता रहा, सी देखते, सी में हमने लिखा हुआ पहले वो चेक कर लेते, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो बट पोटेंशियल इज जीरो, बाकी ऑप्शन अभी छोड़ सकते, तुम्हें पढ़ने तो पड़ेंगे ये ऑप्शन, चेक करने पड़ेंगे। पहले में क्या दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल दोनों जीरो है, एक में फील्ड जीरो पोटेंशियल नॉन जीरो दिया, लास्ट वाले में दोनों में से कोई भी जीरो नहीं, तो ये तीनों रॉन्ग हो गए, एक ही सही। तो ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ, देखो इलेक्ट्रिक चार्जेस है इतना 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 और इतना, प्लेट्स आर जस्ट प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स, सेंटर नहीं है ये, कॉर्नर्स होगा, वर्टाइसेस कर लो, ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड रूट टू मीटर, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ निकालना, तो वही पहले डायगनल का आधा, कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस डायगनल की आधी वो निकाल लिया, सेम वैल्यू के साथ हमने क्लास में किया था, डायगनल की आधी रूट टू साइड दिए तो डायगनल टू आ जाएगा और उसका आधा डिस्टेंस वन मीटर आ जाएगा, फिर सब चार्जेस वो लिख लिया, पोटेंशियल कॉमन टर्म बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट में ये बचेगा, माइक्रो इधर बाहर निकाल लिया, तो इतना आ जाएगा, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, आया भी है बोर्ड में, ये किया भी है। 49th में आ
टू चार्जेस हैं ये और ये, प्लेस 20 सेंटीमीटर अपार्ट, देयर विल बी अ पॉइंट पी ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस चार्जेस एंड आउटसाइड द रीजन बिटवीन देम एट विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो, डिस्टेंस पी फ्रॉम माइनस टू। तो दो जगह जीरो होता है, अंदर भी जीरो होता है, बाहर भी जीरो होता है, इनफाइनाइट पे भी जीरो होता है, और सर्कुलर एक लोकस, सर्कुलर लोकस पे भी, तो कई जगह जीरो होता है। इन्होंने बोला बाहर वाला ले लो, पॉइंट से बाहर वाला यहाँ पर वो निकालो, तो एक्स डिस्टेंस पे ले लिया, जो मैग्नीट्यूड में छोटा होता है ना उसकी तरफ जीरो होता है, ये बड़ा है मैग्नीट्यूड में, ये छोटा है, इसके पास जीरो होगा, कहीं एक तो अंदर भी होगा, यहाँ पर भी एक यहाँ पर, तो बाहर वाले की बात की है तो बाहर का निकाल लो, है ना। इन्होंने बाहर बोला है क्या? नहीं तो दोनों निकालने पड़ेंगे, आउटसाइड ही लिखा है, ठीक है, मैंने दोनों ही निकाले हुए हैं, ठीक है। तो वी वन प्लस वी टू इज इक्वल टू जीरो, तो एक चार्ज माइनस है तो माइनस आ जाएगा, इसके लिए क्वांटिटी डायरेक्शन ही ले रहे, तो बस यहाँ से 12 वाले से डिस्टेंस कितनी है, अच्छा पहले मैंने अंदर वाला निकाला यहाँ पर, तो x और ये 20 माइनस x, तो ये कितना आया 13.33 सेंटीमीटर में, 0.133 नहीं मैच हो रहा, तो दूसरा फिर बाहर निकाला मैंने, आउटसाइड चार्ज नहीं पड़ा था इसलिए मैंने दोनों निकाले थे, यहाँ पे आउटसाइड है तो एक ही निकालना बस। तुम्हें बाहर के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से हमने x लिया, यहाँ से r प्लस x हो जाएगा इसके लिए, तो 20 प्लस x और यहाँ से x, और ये माइनस है इसलिए माइनस, तो यहाँ से कितना आ रहा है, सॉल्व किया हमने, x की वैल्यू 20 आ रही सेंटीमीटर, कुछ मिस्टेक हो रही क्या? अच्छा x यहाँ से 20 है, यहाँ से 20 प्लस 20 40 हो जाएगा, तो उसी से पूछा है केवल माइनस q से, तो 20.2 मीटर, सही है, समझ में आ गया, ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, आ सकता है बोर्ड में, एनसीईआरटी बुक का पहले ही क्वेश्चन है सेकंड चैप्टर का, उसमें दोनों में कैलकुलेट किया, इसमें एक ही पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, फोर चार्जेस दिस 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 आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर टेकन इन ऑर्डर एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक प्लस है फिर माइनस है फिर प्लस है फिर माइनस, तो सेंटर में फील्ड चेक करते, इन दोनों के अपोजिट तो जीरो हो गए, इन दोनों के अपोजिट तो जीरो हो गए, फील्ड तो जीरो हो गए, पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा, दो का प्लस दो का माइनस, तो वी भी जीरो ई भी जीरो, ऑप्शन ए। सीक्वेंस बराबर रखनी, सीक्वेंस बराबर नहीं रखी तो फील्ड जीरो नहीं आएगी, पोटेंशियल किसी भी सीक्वेंस में जीरो आएगा बट फील्ड हर सीक्वेंस में जीरो नहीं आएगी। 51 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें दो ऑप्शन से ज्यादा करेक्ट है, तो लेट मी रीड आउट क्वेश्चन। इलिप्टिकल कैविटी इज कार्ड विद इन द परफेक्ट कंडक्टर, परफेक्ट है कंडक्टर, चार्ज क्यू इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द कैविटी, यहाँ पर द पॉइंट्स ए एंड बी आर इन द कैविटी सरफेस एज शोन इन द फिगर, तो इसमें ऑप्शन चेक करनी है एक एक करके, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए इन द कैविटी इज इलेक्ट्रिक फील्ड नियर बी, यहाँ पे और यहाँ पे फील्ड सेम होगी, नो, क्योंकि इंड्यूस चार्जेस अलग, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करता है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है तो इस पे ज्यादा चार्ज इंड्यूस होगा, इसका ए का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, ये हमने क्लास में बताया, डिस्कस किया, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, छोटा स्फीयर और बड़ा स्फीयर आगे है वो भी क्वेश्चन, फील्ड किसकी ज्यादा होती, कहाँ पे ज्यादा होती, तो यहाँ पर ए पर इंड्यूस चार्जेस कम होंगे, सिग्मा कम होगा इनफैक्ट, तो फील्ड कम होगी ए पर, बी पर ज्यादा होगी। मैंने बताया ना पॉइंट, तो मेरे बॉडी को चार्ज दे दिया जाए तो नोज एंड फिंगर टिप पे ज्यादा फील्ड प्रोड्यूस होती है, वैसे सिग्मा वहां पे ज्यादा होता है, हेड पर कम होगा, हेड का रेडियस ऑफ कर्वेचर मोर है तो वहां पे सिग्मा कम, चार्जेस कम है होंगे, तो फील्ड अनइक्वल होती पूरी बॉडी में, तो ये इक्वल दिया तो रॉन्ग, चार्ज डेंसिटी एट ए इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी, अभी ये मैंने बताया चार्ज डेंसिटी अनइक्वल होगी उसमें, पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी, ये सही है, कंडक्टर ने सब परफेक्ट कंडक्टर दिया, सब जगह पोटेंशियल सेम होगा। लास्ट वाला, टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ कैविटी इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये भी सही है, सिग्मा जो है क्लोज सरफेस है, ये सिग्मा अपॉन चार्ज कितना अंदर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दो ऑप्शन सही है सी एंड डी। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसा होता, इलेक्ट्रिक फील्ड ए
ए इज लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, तब ये भी सही हो जाता है, ए भी सही हो जाता है। 51 इज ओवर। 52 देखो ये कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये बोर्ड बोर्ड एग्जामिनेशन में कभी नहीं आएगा, बट वैसे है ये क्वेश्चन पोटेंशियल का है, इतना बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखना था इतना फर्स्ट यहाँ तक करके छोड़ सकते हो, बस सेकंड लाइन छोड़ सकते, थर्ड नहीं कर सकते तुम। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, चार्ज प्लस क्यू इज फिक्स एट ईच ऑफ द पॉइंट एक्स नॉट, थ्री एक्स नॉट, फाइव एक्स नॉट, अप टू इनफाइनाइट ऑन द एक्स एक्सिस, और चार्ज माइनस क्यू एट ईच ऑफ द पॉइंट्स 2x नॉट, 4x नॉट, इवन नंबर पे ये तो इनफाइनाइट तक है। चार्ज x नॉट इज पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, नहीं हियर x नॉट इज पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, टेक द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू, एक पॉइंट, टेक द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज q एट डिस्टेंस r, टेक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू द चार्ज q एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द पॉइंट, ये फार्मूला लेना, फार्मूला भी तुम्हें बता दिया, पोटेंशियल का फार्मूला ये होता है, देन पोटेंशियल एट द ओरिजिन ड्यू टू द अबव सिस्टम, तुम्हें फार्मूला बता दिया जो कि जरूरत नहीं थी। तो हमने एक प्लस एक माइनस है चार्ज, तो ऐसे के क्यू बाई एक्स नॉट कॉमन लिया, तो एक्स नॉट यहाँ पे देखो जो एक्स नॉट डिस्टेंस पे कौन सा चार्ज पॉजिटिव है, और टू एक्स नॉट पे नेगेटिव है, ये माइनस हो जाएगा, फिर 3x नॉट पे पॉजिटिव है, 4x नॉट पे नेगेटिव है, तो बस ये आंसर हो गया। बट ये ऑप्शन में नहीं है, बोर्ड में होगा तो यहीं पे छोड़ देना से। ये जो होता है ना 1 माइनस, ये नंबर देखो 1, फिर 1 बाई टू है, फिर 1 बाई थ्री है, फिर 1 बाई फोर है, बट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, फिर तीसरा पॉजिटिव चौथा नेगेटिव, ये लॉग 2 का एक्सपेंशन होता है, ये जो है मैथ्स में आता है ln 2 का एक्सपेंशन, ये होता है वन माइनस वन बाय टू प्लस वन बाय थ्री माइनस वन बाय फोर, इस तरह से डिजिट्स वन टू थ्री फोर ये डिनोमिनेटर में, पहले वाले में वन बाई वन है इसलिए वन लिखा, बट एक माइनस एक प्लस, तो लॉग टू का एक्सपेंशन है ये, ठीक है। तो ये एडवांस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया हुआ क्लास में 53rd किया है ना, देखते क्या पूछ रहा है। द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद द डिस्टेंस आर फ्रॉम द fixed point is taken as below, shown below. Electric field at r is equal to 5. यहाँ पे है देखो 5 इस पॉइंट पर, ये पूरी लाइन पे सेम रहने वाली है क्योंकि स्लोप चेंज नहीं हो रहा, तो डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स निकाल लो माइनस, तो वी टू माइनस वी वन, वी टू ये रहेगा फाइनल पॉइंट, यहाँ पे यहाँ तो तुम्हारा जीरो ही है पोटेंशियल, और यहाँ पे लेकिन डिस्टेंस कितना है 6 है, V1 वन यहाँ का रहेगा, इसका पोटेंशियल कितना दिखा रहा 5, उसका डिस्टेंस कितना दिखा रहा 4, नीचे 4 पुट कर दें तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस 2.5, तो अपना ऑप्शन जो है ए आ जाएगा, ठीक है। ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्लास में किया था, तुम लोगों को याद होगा अच्छे तरीके से, दो बार हमने डिस्कस किया, इसको भी वेद वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं। डी जो है पैरेलल टू फील्ड लेना पड़ता है, पहले तुम्हें ये पता करना पड़ेगा किस मैग्नीट्यूड, तो निकाल देंगे वेद वाले फार्मूले से, डी ये लेना पड़ता है इतना, तो फील्ड ऊपर होगी कि नीचे, ऊपर होगी बिकॉज पोटेंशियल इधर कम हो रहा है, इस पे 30 है, इस पे 20 है, इस पे 10 है, तो पोटेंशियल ऊपर की तरफ कम हो रहा है तो फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, तो फील्ड ऊपर होगी, तो एंगल तो तुम्हारा एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये 90 होता है और इधर का 30 है, तो ये 60 होगा, तो ये तक सॉरी एक मिनट एक मिनट, ये 30 है और ये 90, तो ये 60 होगा, तो 180, ये पूरा जो 180 माइनस 60 हो गया, तो 120 बचेगा, तो 120 इसमें भी है इसमें भी है, तो हमें मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा, तो मैग्नीट्यूड वेद वाले फार्मूले से V इज इक्वल टू ED, तो डेल्टा V कितना है, 10-10 का डिफरेंस है इसमें, और D यही होगा ये वाला, ये 30 है और ये डिस्टेंस देखो हाइपोटेन्यूज दिया ये सेंटीमीटर में, देखो ये 20 माइनस 10 तो ये 0.1 हो गई, ये कितना होगा 0.1 साइन 30 है ना, 0.1 साइन 30 ये 1/2 आ गया, तो फील्ड अपनी 200 आ गई, तो 200 किस में, ये सी वाले में,
ये भी जेई एडवांस का क्वेश्चन है, बट ये कर सकते हैं, एनसीईआरटी बुक के टॉपिक का है ये, हम ये नहीं बोल सकते कि ये डायरेक्शन किधर जाएंगे, तो ये थियरी एनसीईआरटी बुक में है, इसीलिए क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऑलरेडी क्लास में किया है कई बार, इसको भी मैं इम्पोर्टेंट लिख दूं. पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज शेल 10 वोल्ट, देन पोटेंशियल एट डिस्टेंस हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द सेंटर ऑफ द शेल, कितना होगा? सरफेस पे 10 है, अंदर 10 वोल्ट, अंदर सब जगह सेम रहता है, तो ये ऑलरेडी 10 बार पॉइंट डिस्कस हो चुका है पिछले कुछ दिनों के अंदर. 10 वोल्ट V same inside and equal to that on the surface. तो ये बोर्ड में भी बहुत बार आता है क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 56 क्लास में किया हमने, V दिया हुआ है. ओके चलो देखते, पहले पढ़ते. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट O इज गिवन बाई V इक्वल टू 4 एक्सिस पर वोल्ट. इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पोजिशन पे, x कोऑर्डिनेट 1 है, y 0 है, z कोऑर्डिनेट 2 है. तो डिफरेंशिएट कर दिया, -8x आ गया. x कितना दिया, कोऑर्डिनेट देखने से पता लगा x का कोऑर्डिनेट 1 है, तो बस x की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, आंसर आ गया. तो ये भी कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल का, कि रात में किया भी था ऐसा. ठीक है चलो आगे देखते हैं. ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन में. लेट मी एक्सप्लेन यू क्वेश्चन. टू स्फीयर्स ए एंड बी ऑफ द रेडियस 4 एंड 6 सेंटीमीटर आर गिवन चार्जेस 80 माइक्रोकूलम रिस्पेक्ट. दोनों के पास 80-80 हैं. इफ दे आर कनेक्टेड बाय द फाइन वायर द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम वन टू अदर. तो फाइन वायर से जब हम कनेक्ट कर देते हैं तो चार्ज एक में से दूसरे में जाएंगे, जिसपे हायर पोटेंशियल होगा उससे दूसरे में चले जाएंगे, जब तक पोटेंशियल इक्वल नहीं होगा. पोटेंशियल इक्वल करके हम चार्ज का रेशियो निकाल लेते हैं. टोटल चार्ज तो 160 दिया, इक्वल करके रेडियस दिया, मेरे पास रेडियस तुम्हारी दी हुई है आर टू है, तो रेडियस 4 एंड 6 दी है, तो क्यू वन बाई क्यू टू आ गया. इनफैक्ट क्यू वन तुम्हारा 2/3 टाइम्स ऑफ क्यू टू आ गया, तो ये वैल्यू ऊपर पुट कर दो, तो हमें इसमें Q1 Q2 अलग अलग आ जाएंगे. Q2 तुम्हारा 64 आ रहा है, 96 आ रहा है, सॉरी ये 64 आ रहा है, तो 80 में से इधर 16 चला गया, 16 आ गया दूसरे में, पहले वाले में 16 कम हुआ, इसमें बढ़ गया. इसका आंसर B आएगा, D दिया है शायद, D इज नॉट करेक्ट, B इज करेक्ट. तो यहाँ पे मैंने तो करेक्शन लिख दिया, उधर नहीं किया, यहाँ पे कर दिया है. D given, but answer is B. ठीक है, एक बार चेक कर लेना, मैंने तो दोबारा चेक किया, फिर भी देख लेना, सॉल्व भी करके देखा जाऊंगा. ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 58. इसमें देखते क्या दिया है, लेट अस रीड इट. टू प्लेट्स आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन देम. इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्ट क्वेश्चन है, वेद वाला फार्मूला. V इज इक्वल टू ED, सीधा 500 आ गया, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन, वो भी 1 मार्क्स का. नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड A. वर्क डन इन रिमूविंग चार्ज माइनस Q फ्रॉम सेंटर टू इनफिनिटी. फिर से वही अपना वर्क डन इज इक्वल टू चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी U2 माइनस U1, U2 इनफिनिटी, तो वो तो 0 ही हो गया U2, और U1 जो है Q into V1, तो V1 सेंटर में निकाल लो सभी का पोटेंशियल निकाल लो. पहले हमने क्या किया, रेडियस निकाल ली, रेडियस नहीं, वो डायगनल का आधा कर लिया, तो तुम्हारा वो कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस आ जाती है. फिर पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा दिया, ये 4 चार्जेस इंटू 4 कर लिया, तो वो V1 जो है V1 में पुट कर देंगे. V1 विल बी व्हाट, VC, वेलोसिटी एट सेंटर. ठीक है तो ये ऐसे करते हैं. ओके तो म्यूट कर लो. ठीक है तो ये हो गया तुम्हारा, फिर से इसमें माइनस का गड़बड़ नहीं करना. तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार तुम्हें ये पॉइंट एक्सप्लेन किया, फाइनल पोजीशन इनफाइनाइट पे तो वो 0 हो जाता है,
क्लियर, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो 58 में, ठीक है? नो सर, नो डाउट। नाउ 59 पे चलते हैं, ये सब रेगुलर क्वेश्चन ही दिख रहे हैं मुझे। फोर चार्जेस क्यू आर प्लेस एट द फोर कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर, नहीं ये तो हो गया 59 ही था ना, 60 भी देखो, ये तुम एक इसके एक टाइप के एक क्वेश्चन जो है तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ। पार्टिकल ए हैज द चार्ज प्लस क्यू एंड पार्टिकल बी हैज द चार्ज 4q विद ईच ऑफ देम हैविंग द सेम मास व्हेन अलाउड टू फॉल थ्रू द रेस्ट थ्रू द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। तो ये देखो यहाँ पे देखो गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कंजर्वेटिव फील्ड है, मास के लिए भी वैलिड होता है, यहाँ भी वैलिड है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ एम वन वी वन स्क्वायर नीचे वाले की हाफ एम टू स्क्वायर, तो गेन पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना होगा क्यू वन इंटू डेल्टा वी, कभी कभी क्यू वी भी लिख देते हैं, एक्चुअल में डेल्टा वी क्यू वी लिखते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस ही होता वी, वो यहाँ पे डेल्टा वी हमने प्रॉपर लिखा है। तो हाफ यहाँ पे भी तो मैंने ये बनाया था चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज का ये लिखा वी क्यू कॉमन ले लिया डेल्टा वी इधर है ना, तो क्यू इंटू वी या डेल्टा वी, बहुत जगह वी लिखा रहता है, वी का पोटेंशियल लिखते हैं लेकिन वी पोटेंशियल डिफरेंस है तो वी भी लिख सकते हैं डेल्टा वी भी लिख सकते हैं, इजिकल टू हाफ एम ई स्क्वायर, या आगे बार बार काम आएगा। तो क्यू वी इजिकल टू हाफ एम ई स्क्वायर, शायद हमने पहले चैप्टर में पढ़ा भी था उसमें, है ना, यहाँ पे एनर्जीज के बारे में बात की थी, शायद वहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। बस अभी डिवाइड कर देंगे, कॉमन टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस सेम था, पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं था, फील्ड सेम थी, पोटेंशियल डिफरेंस वेद वाले फॉर्मूले से, सेम डिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा तो वेलोसिटी का रेशियो आ जाए, वेद वाला फार्मूला भी लगाया हमने पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। ये नेक्स्ट वाला भी सेम है, नेक्स्ट वाला पढ़ लेते तो पहले मैं तुम्हें, अल्फा पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10^6 इट्स काइनेटिक एनर्जी। अल्फा पार्टिकल का चार्ज तुम्हें याद रखना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्यू इंटू डेल्टा वी, अल्फा पार्टिकल का चार्ज इतना पोटेंशियल इतना, तो एमईवी में निकालना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 10^-3 से डिवाइड करना, या अगर तुम्हें ऐसे डिवाइड क्यों किया ये नहीं समझ में। अच्छा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने वहां पे पढ़ा, देखो पहले चैप्टर में कहीं ना कहीं पे आया था वहां पे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताया, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इससे डिवाइड करना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता -19 के ऑर्डर का होता है, 10^-6 से मल्टीप्लाई होकर -13 बचेगा, ठीक है, तो डिवाइड कर देंगे तो ये 2 MeV आ जाएगा। इसमें डाउट है क्या? नो सर। नोट पढ़ लेना, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना, इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद है 1.6 × 10^-19 था, ये हमने बनाया था वहां पर, और मेगा में 10^6 और आ जाता है तो -13 बचता है, तो कन्वर्ट करने के लिए उतने से डिवाइड करना पड़ता है। ये क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस इतना, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो फिर से डिफरेंशिएट करके x = 1 पुट करना है तो -20 आ रहा है, इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया, फर्स्ट ऑप्शन को माइनस लिख दिया क्योंकि एक ऑप्शन माइनस इधर भी है ना, तो इसलिए माइनस में आंसर हो सकता है। सारे मैग्नीट्यूड दिए होते तो फिर हम उसमें फिर वही सेलेक्ट कर लेते, इसके कभी कभी वो सब प्लस दिए होते तो इसका मतलब क्या मैग्नीट्यूड पूछ रहा है वो, बट यहाँ पे एक ऑप्शन में माइनस है तो ये भी प्रॉपरली देना पड़ेगा। अभी टाइम मेरे ख्याल से थोड़ा सा बचा है, अभी हम खत्म हो जाएगा मीटिंग तो वील वाइंड अप, और उसके बाद कल फिर एक्स्ट्रा क्लास में, कल हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू कर देंगे 6 to 6:40, फिर 7 बजे से ये बाकी हम कवर कर लेंगे एक्स्ट्रा क्लास में ही करेंगे, क्योंकि अपना वो अभी वो क्लासेस मिस नहीं कर सकते है ना, तो ठीक है अपन धीरे धीरे करते, जब भी जब खत्म हो जाएगा तो लाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, हम लोगों ने किया था, देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखो इसमें लेट मी रीड आउट फॉर यू, टू स्पीयर्स ए एंड बी आर रेडियस ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर चार्ज एंड ज्वाइंट बाय द वायर रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल इक्वल हो जाएंगे तब तक
चार्ज फ्लो होगा उसमें, तो वी वन इज इक्वल टू वी टू, तो इसमें ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इसमें बी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो नीचे ए स्क्वायर हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, इधर ए बचा इधर बी बचा, ई वन बाई ई टू इज इक्वल टू बी बाई ए, इनवर्स रेशियो ऑफ रेडियस आर है, ठीक है। तो ये क्लास में किया था, इसमें और भी पॉइंट हमने डिस्कस किए थे, यू कैन गो थ्रू। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। इफ द चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज द पोटेंशियल वी एट द पॉइंट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, देन पोटेंशियल एट द पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, क्लास में किया है। तो 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर एक दूर है ना, अच्छा अच्छा ओके, ये थोड़ा सा इन्होंने घुमा के क्वेश्चन दिया है, सरफेस पे नजर के अंदर दिया, देखो गुड क्वेश्चन। चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज द पोटेंशियल वी एट अ पॉइंट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, मतलब सरफेस पे जितना होगा उतना अंदर होगा, तो सरफेस पे ही दिया हुआ है, ठीक है। इसमें तुम्हें